कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। गाओ मेरे साथ नलायको गाओ, आज हमारा लास्ट सेशन है, मोटिवेट होके जाना आज। कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बनके पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। गुड इवनिंग सारिआं नूं। बई की हाल चाल जी, वधिया हो सारे, तंदुरुस्त हो? इतने सैड क्यों बैठे हो? कैसा हो पेपर, कैसा हुआ? ओल्ड सिलेबस वालों का मेरे ख्याल से एडवांस कंपनी लोग का था, न्यू सिलेबस वालों का गवर्नेंस का था। फट्टे चक दिए, बच्चा कह रहा है सर फट्टे चक दिए। कई बच्चे उदास लग रहे हैं, मुझे उदास नहीं होना। देखो मैं कह रहा हूँ पेपर मुश्किल था, आसान था, एक बार छोड़ दो उसको। मैं विश्वास कर रहा हूँ सर, यहाँ बैठा हूँ ना, विश्वास कर बोल रहा हूँ, आपका पेपर जैसा भी हुआ ना मैं कह रहा हूँ पास हो जाओगे, टेंशन मत लेना। अगर इसकी टेंशन में अगला पेपर भी खराब हो गया बड़ी दिक्कत आएगी। और मुझे पूरी उम्मीद है काफ़ी सारे बच्चों का बहुत बढ़िया हुआ है, क्योंकि इतना फीडबैक तो मुझे भी मिलता है। बट अगर कुछ बच्चों का नहीं हुआ तो टेंशन मत लेना सर, बिल्कुल मत घबराना, आपका ग्रुप जरूर निकलेगा, आपने अगले पेपर की तैयारी बढ़िया करनी है। और दो दिन के बाद भाई साहब हमारा पेपर आ रहा है एडवांस टैक्स का, तोते उड़ा के आने अपने नहीं एग्जामिनर के, कहीं अपने तोते उड़ा के आ जाओ जी। जितने क्वेश्चन आते होंगे बढ़िया तरीके से करके आने हैं। फाइनली आज हमारा लास्ट सेशन है, आज हमारा अलविदा सेशन है। मैं आज आपको अलविदा बोलूंगा, ऐसा नहीं है अलविदा का मतलब कभी मिलूंगा नहीं। एग्जाम से पहले आपको बेस्ट विशेस देने के लिए आऊंगा, मोटिवेट करने के लिए आऊंगा, कुछ बातें सिखाने के लिए भी आऊंगा। बट हाँ, फाइनली जो मेरी कमिटमेंट थी क्वेश्चन आंसर की, बहुत सारी कंप्लीट होने जा रही है जी। ठीक है जी, तो आज हमें दो चैप्टर करने हैं, एक तो टैक्स ट्रीटीज वाला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन कंफर्म बनता है जी, और एक फिर हमारा लास्ट चैप्टर है उसमें से भी एक क्वेश्चन कंफर्म बनता है। ये लगा लो आज की क्लास ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी एक घंटे की क्लास होगी उसमें दो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन सकते हैं जी। और फिर मत कहना सर क्लास मिस हो गई थी, कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम खत्म होने के बाद मैं कहूँ ये क्लास देख लो इसमें दो क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना मेरी बात को, क्लास आपने जरूर देखनी है। ठीक है, और इधर देखो टाइम वेस्ट नहीं करते, आपका भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट आजकल तो, क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं। इधर सुना आप ध्यान से रही, एक बार फटाफट देखते हैं आज की क्लास में जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं टैक्स ट्रीटीज का। अब ट्रीटीज का मतलब क्या होता है, जो आज हमारे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट और काफ़ी सारी कंट्रीज के साथ हैं, वो एग्रीमेंट हम क्यों करते हैं, उसका रीज़न क्या है, ये सारी बातें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने को मिलती हैं। क्लास में हमने प्रोविज़न भी अच्छे से पढ़े थे, क्वेश्चन भी काफ़ी बढ़िया से करे थे। अब जो भी हमारे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में दिए होंगे प्रैक्टिस मैनुअल में, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। और ही स्टार्ट करते हैं, एक बार चेक करना रही अब क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन कह रहे हैं डिस्कस द रिलीफ प्रोवाइडेड टू द फॉरेन इनकम ऑफ एन एसएससी इन फॉलोइंग केसेस। कह रहे हैं फॉरेन इनकम पर आप रिलीफ बताओ कैसे मिलेगा फॉलोइंग केस में। पहला केस क्या है, इन केस देयर इज बाई लिटरल DTAA, मतलब अगर हमारा दूसरी कंट्री के साथ DTAA है तो रिलीफ कैसे मिलेगा, और अगर हमारा DTAA नहीं है उस केस में क्या होगा। पूरे विश्व के महाज्ञानी आज मेरे सामने बैठे हैं, बच्चों वाला क्वेश्चन है, मलाई की तरह साफ कर तो रही। फटाफट से बोल दो, अगर हमारा एग्रीमेंट है तो क्या होगा सेक्शन 90, और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो क्या लगेगा 91 लगेगा। 90 आपसे बढ़िया कौन जानता है, टैक्स एग्जम्पशन मेथड मिलेगा, टैक्स क्रेडिट मेथड मिलेगा जी। और 91 में क्या होगा, दोनों में से जिस भी कंट्री में टैक्स कम आएगा उस कंट्री का टैक्स इंडिया के टैक्स में से माइनस करके आपको रिलीफ मिल जाएगा। ये सारी बातें हमने की हुई है, तो यहाँ पे वही बातें लिख के आनी है। मतलब सबसे पहले केस में सेक्शन 90 की बातें करोगे, सेकेंड केस में 91 की बातें करोगे। 90 के प्रोविजन हमने क्लास में सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, और 91 के स्टेप्स मैंने लिखवाए हुए हैं, वो ही आपको यहां पे लिख के आने हैं जी। ठीक है जी, अब मैं लाइन वाइज लाइन नहीं पढ़ा रहा, आपको मैंने बता दिया कि आपको क्या लिख के आना। इस केस में आप 90 लिख के आओगे, इस केस में आप 91 लिख के आओगे जी। ठीक है जी, उसके बाद अब यहाँ पे चेक करना जी। अभी देखो वही 91 के जो हमने स्टेप्स लिखे हैं ना, इन्होंने पॉइंट्स में लिख दिया, जो स्टेप्स मैंने क्लास में लिखवाए हैं वही सेम स्टेप आपको एग्जाम में लिख के आने हैं, पूरे नंबर आपको मिलेंगे जी। ठीक है जी, उसके बाद अब ये क्वेश्चन करने के बाद जी, अब एक बार आओ क्वेश्चन नंबर थ्री। यहाँ से हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, आपके हाथ में कैलकुलेटर हो, सामने एक नोटबुक पड़ी हो, सारे क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे कि पहले हम खुद करें फिर आंसर चेक करें। एक बार क्वेश्चन देखना जी,
पांच नंबर में आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, एक बार चेक करो। योगिता कुमारी, ओके योगिता कुमारी, ए रेजिडेंट इंडिविजुअल इज ए फ्रीलांस डांसर डिराइविंग इनकम फ्रॉम 75,000 फ्रॉम शोज परफॉर्म आउटसाइड इंडिया, मतलब 75,000 की इनकम बाहर से कमा रही है, उस पर 10,000 रुपये का बाहर टैक्स पे किया, बहुत बढ़िया बात है। इंडिया का उस कंट्री से कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, मतलब DTAA नहीं है, उसकी इंडिया में इनकम 5,00,000 रुपये की है, उसने 10,000 रुपये PPF में जमा कराए, 20,000 रुपये का मेडिकल इंश्योरेंस करवाया अपने फादर का, उनकी एज 65 साल पे है, और कह रहे एज्यूमिंग असेसी हैज नॉट ऑप्टेड 115 BSC, तो बताओ उसका फाइनल टैक्स कितना आएगा। मुझे फटाफट से बोल दो, सेक्शन 91 वाला क्वेश्चन है। अब अगर योगिता कुमारी इंडिया की रेजिडेंट है तो यह इंडिया में तो सारी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगी, ग्लोबल इनकम मतलब 5,00,000 रुपए की ये 75,000 की वो, तो 5,75,000 रुपए की इनकम आ गई। अभी थम जाओ, इसमें 10,000 रुपए का PPF में कंट्रीब्यूशन, डिडक्शन माइनस करो 80C की, 80D की डिडक्शन मिलेगी, यहाँ पे 20,000 रुपए है, पूरी की पूरी मिल जाएगी जी, 20,000 रुपए माइनस हो गया, 5,45,000 रुपए की इनकम आ गई। गलती से रिबेट माइनस मत करना, रिबेट 5,00,000 तक मिलती है, इनकम 5,45,000 रुपए की रिबेट नहीं मिलेगी। 115 BSC फॉलो नहीं किया। अब अगर 115 BSC फॉलो नहीं किया तो नॉर्मल स्कीम की बात करेंगे। अब अगर इनकम 5,45,000 रुपए है तो 5,00,000 से कितनी ज़्यादा है, 45,000, उसका लगा दोगे 20% और फिर 12,500, तो टैक्स आ गया 21,500 रुपये का आपका नॉर्मल टैक्स यहाँ पे निकल के आ गया। ये देखो 21,500 रुपये का नॉर्मल टैक्स आ गया, इसमें 4% सेस जोड़ोगे तो 22,360 रुपये का टैक्स आ गया। बच्चा कहता है हाय राम गलती कर दी सर ने, कह रहे एज 65 साल है, लिमिट तो 3,00,000 रुपये की मिलेगी ना। मेरे बच्चे एज 65 साल उसके फादर की है, हमें टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है योगिता की, योगिता 65 साल की कैसे हो सकती है, तो हमें तो योगिता की निकालनी है ना। एज 65 साल क्यों दी है, इसलिए दी है क्योंकि अगर फादर सीनियर सिटीजन है उस केस में 50,000 रुपये तक की लिमिट है, बट अगर प्रीमियम ही 20,000 रुपये तो 20,000 रुपये की लिमिट मिलेगी, बट एग्जम्पशन लिमिट तो उसकी एज के बेस पे मिलेगी ना कि उसके फादर की एज के बेस पे, ये बात तो क्लियर है ना। अब ये 22,360 आ गए, ये आ गया टोटल टैक्स जो उसने इंडिया में पे करना है टोटल इनकम पे। अब सोच के बोलना 22,360 रुपये उसने पे करना है 5,45,000 रुपये के ऊपर, 5,45,000 रुपये के ऊपर, तो डबली टैक्स इनकम 75,000 पर कितना पे करेगा, यह आएगा 3,077, तो इतने का आपको रिलीफ मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने बाहर पे किया 10,000, इंडिया में पे करेगा 3,077, विच एवर इज लेस क्या हो गया 3,077, आप उसमें से माइनस कर दोगे, ये देखो जी इतने का टैक्स पेबल आ गया। बच्चा कह रहे हैं सर इन्होंने अलग किया हुआ है, आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था जी दो तरीके होते हैं करने के, या तो वैल्यू बेस वाला निकाल लो जैसे हमने क्लास में किया था, नहीं तो परसेंटेज निकाल लो। इन्होंने परसेंटेज बेस पे किया, इन्होंने क्या किया परसेंटेज बेस पे किया ना, देखो इन्होंने क्या कर दिया 10,075 उसकी परसेंटेज निकाल दी इतनी, इंडिया के टैक्स की परसेंटेज निकाल दी इतनी, तो रिलीफ कितने का मिलेगा, इतने का मिलेगा, मैंने वैल्यू में निकाल दिया, बात तो एक ही है जी, ठीक है। तो दो आंसर दोनों ही सही हैं, घबराने की बात नहीं है, वैल्यू के बेस पे करोगे तो वैल्यू के बेस पे कर लेना, परसेंटेज बेस पे करोगे तो परसेंटेज बेस पे कर लेना जी, आंसर दोनों में सेम आएगा, मतलब 3-4 रुपये का फ्रैक्शन का फर्क होगा, बाकी सारा सेम आएगा जी, ठीक है जी। ये हमारा आंसर हो गया जी, बताओ पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, अगले क्वेश्चन पे आओ जी। अगला क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी प्रैक्टिकल है, ये भी करेंगे, मतलब जितने प्रैक्टिकल है ना सर वो तो मैं करवा के जाऊंगा क्योंकि आपको उसमें दिक्कत आती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर ऑफ इनकम अर्न बाय मिस सुनीता, ए रेजिडेंट इंडियन, एज 25 साल है, फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22, बहुत बढ़िया जी। इनकम फ्रॉम प्लेइंग बास्केटबॉल मैच इन नीदरलैंड, 12,00,000 रुपए की इनकम बाहर कमाई है, बाहर टैक्स पे किया 180 का, इंडिया में इनकम कमाई 19,20,000 रुपये, LIC 120 की है, मेडिकल प्रीमियम पे किया 25,000 रुपये का, उसके फादर की एज 62 साल है। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, डिटो सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, फिगर चेंज हो गई। इंडिया में इनकम कितनी टोटल आएगी जी, 12,00,000 रुपये बाहर वाली इनकम भी जुड़ेगी, इंडिया में 19,20,000 रुपये की इनकम भी है, तो 31,20,000 रुपये की आ गई। इसमें से LIC माइनस कर दो 80C के 1,20,000, माइनस में 25,000 माइनस कर दो 80D के, तो ये 29,75,000 की इनकम निकल के आ गई उसकी नेट इनकम डिडक्शन माइनस करने के बाद। अब निकाल दो टैक्स जी, 10,00,000 से ऊपर कितनी इनकम है, 19,75,000, तो 19,75,000 रुपये का 30% प्लस में 1,12,500, भगवान झूठ ना बुलवाए, 7,05,000 रुपये का टैक्स आ गया जी, 7,05,000 रुपये का टैक्स आ गया, इसमें 4% सेस जोड़ दूंगा तो 7,33,200 ये निकल के आ गया। अब इतना आपने टैक्स पे किया इंडिया में कितनी इनकम पर, 29,75,000 पर, तो डबली टैक्स इनकम कितनी है, मेरी डबली टैक्स इनकम है जी
आपने बाहर कितनी कमाई है? 12 लाख रुपए की। तो 12 लाख पर इंडिया में कितना टैक्स आएगा? यार है 2,95,740। आप चेक कर लो, 2,95,740 रुपए आ रहा है, जबकि आपने बाहर वैसे कितना पे की है? 180 पे की है। तो बाहर वाली इनकम पर इंडिया में देना पड़ेगा 295, और जबकि बाहर कितना पे कर रहे हो? 180। तो लेस कौन सा है? 180 ना। तो रिलीफ कितने का मिलेगा आपको, मैं दिखाता हूँ रिलीफ आपको। देखो 180 का ही मिलेगा, ये आपका टैक्स पेबल आ गया। इन्होंने किया है परसेंटेज बेस पे, हमने कर दिया वैल्यू बेस पे, फर्क एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नीचे वर्किंग नोट्स हैं जी, उसके बेस पे आपने काम कर दिया। इतने गिरे गिरे क्वेश्चन है ना सर, अगर मैं कह रहा हूँ इसमें से कोई क्वेश्चन बन गया ना और आपने फिर गलती करके आई सर, वो गलती मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी सर, वो गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा, फिर मैं गुस्सा होऊंगा, ध्यान रखना। फिर मत कहना कि विवेक सर गुस्सा क्यों हो रहे हैं, ठीक है ना? हंस दो नलायको, हंस दिया करो। हाँ चलो जी, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 5 भी वही बच्चों वाले जी, आप क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। यहाँ पे ध्यान देना, सुदेश एज 62 साल है, 3 लाख की लिमिट में कवर हो रहा है जी, ध्यान से। सुदेश एज 62 साल इज ए रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, ओके। डिटेल ऑफ हिज इनकम इन्वेस्टमेंट आर एज अंडर, 16,80,000 रुपए की उसकी बिजनेस इनकम इंडिया में है, ठीक है। 5,45,000 रुपए की इनकम कमाई है किसी बाहर वाली कंट्री में, और बाहर वाली कंट्री में टैक्स पे किया 32,000 रुपए का, ओके जी। 28,000 रुपए की ट्यूशन फीस पे करें इस डॉटर के लिए, उसको डिडक्शन मिल जाएगी 80C में। 90,000 रुपए की ट्यूशन फीस पे किया अपने सन के लिए, स्टडिंग आउटसाइड इंडिया, इसके लिए 80C का बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि स्टडी आउटसाइड इंडिया है, 80C आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। 48,000 रुपए रिसीव एज इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा जी। अब एक बार चेक करते हैं टोटल इनकम इंडिया में कितनी आ रही है। तो भाई साहब 16,80,000 रुपए प्लस में 5,45,000 रुपए बाहर कमाई है, और 48,000 रुपए वो इनकम गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाली है, तो ये 22,73,000 मतलब 22,73,000 इतनी इनकम आ रही है। इसमें से 80C की डिडक्शन माइनस कर दो जी, ये आ गया 22,45,000 रुपए की इनकम आ गई। अब अगर 22,45,000 रुपए की इनकम है, 10 लाख से कितनी ज़्यादा है? 12,45,000, उसका निकाल दोगे 30%, और गलती से 1,12,500 मत जोड़ देना, कान पकड़ लूँगा आपका। 1,12,500 नहीं, एज 62 साल है, 1,10,000, क्योंकि आपकी एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख की है, इसमें 1,10,000 जोड़ दो जी, तो आएगा 4,83,500 प्लस में 4% सेस, तो 502,840। एक बार देखें जी, 502,840, ये देखो जी 502,840 परफेक्ट आंसर निकल रहे हैं सर, मज़ा आ रहा है, मज़ा क्वेश्चन करने में। अब अगर इतना टैक्स पे किया, कितनी इनकम पर पे किया था जी? 22,45,000 पर, तो डबली टैक्स इनकम कितनी है? डब्ली टैक्स इनकम है मेरे ख्याल से 5,45,000, यस। तो 5,45,000 पर कितना आएगा इंडिया में? 1,22,070 रुपये, तो 1,22,070 रुपये पे करेंगे इंडिया में। और देखो बाहर कितना आ रहा है, बाहर आ रहा है 32,000 रुपये, तो भाई साहब फिर बाहर ही कम पे किया ना, तो रिलीफ कितने का मिलेगा? 32,000 रुपये का रिलीफ मिलेगा जी, 32,000 का रिलीफ मिलेगा, आप चेक कर लो इसमें से, ये देखो। और बैलेंस आ गया इतना, ये आपका राउंड ऑफ करके आंसर इतना आ गया जी, ये आंसर है, ठीक है। और देखो वही नीचे नोट लिखा कि 80 से आपको नहीं मिलेगा अगर आपने आउटसाइड इंडिया। अब उसने ना इसमें एक और क्वेश्चन भी पूछा है कि अगर वो NR होता, तो भैया अगर वो NR होता ना, देखो उसमें लिखा है, हाँ, डज इट मेक एनी डिफरेंस इफ सुदेश इज NR, बिल्कुल डिफरेंस होता है। अगर वो NR होता तो उस केस में भाई साहब फिर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कैसे लगता, क्योंकि उसकी इनकम पे डबल टैक्स तो लगता ही नहीं ना, सिंगल टैक्स लगता ना। तो आपको मैं दिखा दूँ, अगर वो NR होता तो देखो उसकी इनकम नॉन, उसने टैक्सेबल इन इंडिया वुड बी 17 लाख रुपए, 545 वुड नॉट बी इंक्लूड इन हिज इनकम एज द सेम इज अन आउटसाइड इंडिया। वही मैंने कहा ना कि वो इनकम उसके इंडिया में इंक्लूड ही नहीं होती। रीजन इंक्लूड क्यों नहीं होती, जल्दी बोलो, रीजन इंक्लूड क्यों नहीं होती? क्योंकि बाहर का रहने वाला बाहर ही इनकम कमाएगा, वो टैक्सेबल नहीं होगी, जो इंडिया में कमाएगा वो इनकम टैक्सेबल होगी। तो डबली टैक्स तो है ही नहीं, और जब डबली टैक्स ही नहीं होगा तो डबली टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। तो भैया 17 लाख पे नॉर्मल एज चाहे कितनी मर्जी हो, 2.5 लाख की लिमिट मिलेगी, उसके बेस पे आप टैक्स निकाल लेना और सिर्फ सेस जोड़ देना, कोई रिलीफ मत देना। हेलो अंकल सीधे होके बैठो, सोना नहीं है आज, मैं एक जगराता दर्शन पाएंगे, आएगी शेर वाली माता दर्शन पाएंगे, वो काम नहीं चल रहा इधर, देखो ध्यान से, ठीक है ना। क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन जाएगा, फिर मत कहना कि सर आपने करवाया था ये क्वेश्चन, और कोई बड़ी बात नहीं, एग्जाम के अंदर बन चुका हो, परसों एग्जाम देखें ये सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाए, हे राम याद आ जाए परसों की क्लास में किया था, ठीक है। तो गलती मत करके आना, एनआर वाले केस में DTAA का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट करोगे जी, और 2.5 लाख की लिमिट के बेस पे करोगे। लो जी, अब ये टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था,
डी टी डबल ए के टाइप कौन कौन से होते हैं जी, बाई लिटरल हो गया, यूनिलिटरल हो गया जी, लिमिटेड डी टी हो गया, नीड ऑफ डी टी डबल ए की नीड क्या होती है भाई, टैक्स रिलीफ मतलब अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्स हो गया, रिलीफ ऑफ डबल टैक्स हो गया। अब ये क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार बन चुका है, डिफाइन टैक्स ट्रीटी, टैक्स ट्रीटी किसे कहते हैं, और डिस्कस द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स ट्रीटी। याद करो जो बच्चे मेरे रेगुलर बैच वाले होंगे उनको मैंने कहा भी था कि ऑब्जेक्टिव टू एंटरिंग डी टी डबल ए क्या होते हैं, चार ऑब्जेक्टिव होते हैं सेक्शन 90 के, याद आ रहा है, फॉर ग्रांटिंग रिलीफ, फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्स, फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉर रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स, वही सारी बातें यहाँ लिखी आप एक बार देख सकते हो। और टैक्स ट्रीटी का मतलब क्या है, टैक्स ट्रीटी मींस कि अगर हमारी इनकम पे डबल टैक्स लग रहा है, उस डबल टैक्स को अवॉइड करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट के साथ टैक्स ट्रीटी करती है ताकि उस इनकम पे डबल टैक्स ना लगे, उसको बोलते हैं बाई लिटरल रिलीफ। एक होता है यूनिलिटरल, एक होता है बाई लिटरल। बाई लिटरल मींस क्या होता है, द्विपक्षीय है, यूनिलिटरल मींस एक पक्षीय है। यूनिलिटरल वाले केस में 91 लगेगा और बाई लिटरल वाले केस में सेक्शन 90 एप्लीकेबल होगा जी, ठीक है। तो वही बातें यहाँ पे लिखी हैं, देखो लिखा ना टैक्स ट्रीटी को हम क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, और चार ऑब्जेक्टिव हैं, ग्रांटिंग रिलीफ, अवॉइडेंस, एक्सचेंज और रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स, ये सारी बातें हैं। बताओ ये क्वेश्चन एग्जाम में 5 नंबर का बना हुआ है, बच्चा कहता है टैक्स ट्रीटी पता नहीं कहां से बन गया जी, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर था डी टी डबल ए का, उम्मीद करूंगा सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आया कुछ पहले पढ़ा कुछ बच्चों, कह रहे सुपर फास्ट तरीके से हमने क्वेश्चन किए हैं, तो अब सुपर फास्ट ये करेंगे सर, अब टाइम सुपर फास्ट का ही है। अब इसमें बताओ, अब मैं प्रेजेंटेशन एक एक पॉइंट थोड़ा कराऊंगा, अब तो ये है कि हमें रिवीजन करनी है, जितने क्वेश्चन हो जाए उतना बढ़िया मार ले। तो हाँ अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, उम्मीद करूंगा वैसे कोई दिक्कत आपको होगी नहीं, इतना तो मुझे भी थोड़ा बहुत आइडिया है कि ये क्वेश्चन बच्चों वाले हैं, आराम से हो जाएंगे जी, ठीक है। अब एक बार आ जाओ जी, ये लास्ट टॉपिक हमारा है इनकम टैक्स इम्प्लीकेशन ऑन स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन। इसमें छोटी छोटी बातें हैं, फॉर एग्जांपल स्लम सेल हो गया, अमलगामेशन हो गया, मर्जर हो गया, डी मर्जर हो गया, बायबैक हो गया, तो जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बन चुका है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लम सेल एंड डी मर्जर। अब स्लम सेल की डेफिनेशन आप सब जानते हो सर, सेक्शन 242 सी में दी हुई है, और जो आपका डी मर्जर है उसकी डेफिनेशन 292 क्लोज 19 डबल ए में दी हुई है। स्लम सेल जहां पे हम पूरी अंडरटेकिंग सेल कर देते हैं, पूरा डिवीजन ही बेच देते हैं, और उसकी टैक्सेबिलिटी सेक्शन 50 बी के अंदर है स्लम सेल, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। डी मर्जर में जब एक कंपनी डी मर्ज होती है उसको एग्जम्पशन में लेके जाते हैं सेक्शन 47। याद करो डी मर्जर कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं होता, प्रोवाइडेड जो रिजल्टिंग कंपनी है वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको लिखना है। अच्छा ये ना पुराना कंपनी एक्ट का सेक्शन लिखा हुआ है 391 टू 394, ठीक है, डी मर्जर। अब जो नया कंपनी एक्ट 2013 है उसमें आपको पता ही होगा ये प्रोविज़न कौन सा है, ठीक है जी। आपको नए कंपनी एक्ट के बेस पे लिखना है डी मर्जर वाला प्रोविज़न, पुराने कंपनी एक्ट के बेस वाला नहीं लिखना, इंस्टीट्यूट ने पुराना दिया हुआ है आपको नए के बेस पे लिख के आना है, ठीक है। ये डेफिनेशन है इसमें सिंपल सी, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए दोनों में क्या डिफरेंस है ये पॉइंट आपको लिख के आना है, ठीक है। अब यहां पे देखना जी, ये रहा जी ये क्वेश्चन, इसको मार्क कर लो जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को मार्क कर दिया मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे तो मान सकते हैं ये क्वेश्चन उनके एग्जाम के अंदर बनेगा, न्यू वाले बच्चों का मुझे आइडिया नहीं है, बट ओल्ड वाले बच्चे मान सकते हैं ये क्वेश्चन उनके एग्जाम के अंदर जरूर बन सकता है जी। एक बार क्वेश्चन नंबर देखना जी, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, A resident by name, Mr. Ram receive gift during the financial year 2021 as follows. कुछ gift receive की है, 1 लाख रुपए from his friend residing in USA. 1 लाख रुपए दोस्त से मिले जो USA में रहता है, taxable, non-taxable. Taxable 50,000 से ऊपर है भैया taxable होगा, क्योंकि friend relative में cover नहीं होता। 20,000 रुपए from his elder brother relative में cover है तो भैया non-taxable होगा चाहे वो कितना ही हो। 50,000 रुपये फ्रॉम हिज फ्रेंड रिजाइडिंग इन मुंबई रिसीविंग ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थडे। अब बर्थडे जो है ना ओकेजन में कवर नहीं होता, मैरिज सिर्फ मैरिज वाला है और फ्रेंड रिलेटिव में कवर नहीं होता। बच्चा कह रहा है बट 50,000 रुपये है मेरे बच्चे, एग्रीगेट करना है। उसने ये नहीं कहा इनडिपेंडेंट केसेज हैं सर, उसने ये नहीं कहा अगर ये इनडिपेंडेंट केसेज होते, अगर अलग अलग केसेज होते फिर ये 50,000 रुपये नॉन टैक्सेबल होता, क्योंकि 50,000 रुपये की लिमिट है।
उसने क्या बोला, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर में ये सारे गिफ्ट मिले हैं। अब अगर ये सारे गिफ्ट मिले हैं तो मनी वाले मनी से एग्रीगेट होंगे, मूवेबल विदाउट प्रॉपर्टी वाले विदाउट प्रॉपर्टी से एग्रीगेट होंगे, मूवेबल विदाउट सॉरी मूवेबल इन एडिक्वेट कंसिडरेशन वाले, मूवेबल विदाउट कंसिडरेशन वाले विदाउट से एग्रीगेट होंगे, मूवेबल इन एडिक्वेट कंसिडरेशन वाले इन एडिक्वेट से होंगे, इमूवेबल वाले आपस में एग्रीगेट होते ही नहीं है, तो हमें एग्रीगेट करना है। अगर इनडिपेंडेंट केसेस होते तो फिर बात अलग होती जी, ठीक है जी। तो ये 50,000 पे टैक्सेबल हो जाएगा जी। शेयर मिले हैं, शेयर रिसीव फ्रॉम हिज फादर, भैया रिलेटिव हैं तो फादर से मिले, इसको तो बाहर निकाल रहा हूँ, चाहे जितने मर्जी वैल्यू हो, मैं कह रहा हूँ लाखों रुपये की वैल्यू क्यों ना हो, गिफ्ट एग्जम्प्ट है जी, फादर रिलेटिव में कवर है। 50,000 रुपये फ्रॉम हिज फ्रेंड रिजाइडिंग इन मुंबई रिसीव ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ मिस्टर राम, शादी पर मिल रहे जी गिफ्ट, हाँ जी शादी पर मिलने वाला गिफ्ट एग्जम्प्ट करोगे, टैक्सेबल करोगे, एग्जम्प्ट करेंगे जी, क्योंकि मैरिज एक्सेप्शन में कवर होती है, एग्जम्प्ट हो गया। ज्वेलरी मिल रही है उसके दोस्त से, फेयर मार्केट वैल्यू 84,000 है, ये होगा टैक्सेबल। तो मुझे फटाफट से बोल दो टैक्सेबल कौन कौन से होंगे जी, एक तो 1,00,000 रुपये ये टैक्सेबल फुली इंक्लूडेड, देखो जी ये 20,000 रुपये ब्रदर से है नो टैक्सेबल क्योंकि रिलेटिव है, बर्थडे वहाँ पे कवर नहीं है तो 50,000 रुपये टैक्सेबल है। उसके बाद नथिंग इंक्लूड क्योंकि रीजन बिंग फादर रिलेटिव में कवर है। मैरिज पर मिलने वाला ये भी एग्जम्प्ट है, देखो नोट 4 और फ्रेंड से जो ज्वेलरी मिलेगी 84,000 वो इनकम इंक्लूड हो जाएगी। ये आपके सामने बताओ क्वेश्चन है, 5 नंबर का बन चुका है ओल्ड सिलेबस के अंदर कई बार, तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ ओल्ड वाले बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से करें, कोई बड़ी बात नहीं है, आपके एग्जाम के अंदर इस बार आपको देखने को मिल जाए सेम ऐसा क्वेश्चन, और न्यू वाले बच्चे के अंदर भी बन सकता है जी, ठीक है। उसके बाद देखो जी अगला क्वेश्चन जी, ये वाला क्वेश्चन देखने में बड़ा है बिल्कुल सिंपल, मैंने इसको इंपॉर्टेंट मार्क क्यों किया है, क्योंकि बच्चा ना जब इतना बड़ा क्वेश्चन देखते हैं ना, बच्चा कहता है कुछ तो होगा, और जिस बच्चे ने कैपिटल गेन का चैप्टर पढ़ा है सेक्शन 47 ध्यान से पढ़े ना, उसको तुरंत क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन है क्या। एक बार क्वेश्चन पढ़ो जी, क्वेश्चन है ए हेल्ड 2000 शेयर इन ए कंपनी ऑफ एबीसी लिमिटेड, ठीक है जी, एबीसी लिमिटेड अमलगा मेटेड विद अनदर कंपनी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2021 अंडर द स्कीम ऑफ अमलगामेशन, ए वॉज अलॉटेड 1000 शेयर इन द न्यू कंपनी, मतलब न्यू कंपनी के 1000 शेयर मिले, उसकी मार्केट वैल्यू इज हायर बाय 50,000 देन द वैल्यू ऑफ होल्डिंग इन एबीसी लिमिटेड, मतलब उससे ज्यादा वैल्यू है, तो अब क्या कंफ्यूजन क्या आ गई कि 50,000 पे टैक्सेबल होंगे नहीं होंगे। द असेसिंग ऑफिसर प्रपोज टू ट्रीट द ट्रांजेक्शन एज एन एक्सचेंज एंड टू टैक्स ₹50,000 एज कैपिटल गेन, इज ही जस्टिफाइड, हाँ जी इज ही जस्टिफाइड, बच्चा कह रहे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो, सेक्शन 47 में एग्जम्प्ट है सर, सेक्शन 47 में अमलगामेशन की ट्रांजेक्शन भी एग्जम्प्ट है और उसके शेयर होल्डर को जो नई कंपनी के शेयर मिलते हैं वो भी ट्रांजेक्शन एग्जम्प्ट है, सिंगल पैसा भी टैक्सेबल नहीं है चाहे प्राइस में कितना मर्जी फ्लक्चुएशन आ जाए। आप एक बार देख लो आंसर बताओ, एज्यूमिंग द अमलगामेटेड कंपनीज एंड इंडियन कंपनी, ये एज्यूम करके चल रहे हैं, द ट्रांजेक्शन इज कवर्ड अंडर 47, द प्रपोजल ऑफ एओ टू ट्रीट द ट्रांजेक्शन एज एन एक्सचेंज इज नॉट जस्टिफाइड, वो जस्टिफाइड नहीं है, ये केस स्टडी एग्जाम के अंदर बन सकते हैं 3 नंबर के अंदर, और इसको कैपिटल गेन की नॉलेज होगी उसकी तो हो जाएगी बल्ले बल्ले, जिसको कैपिटल गेन की नॉलेज नहीं होगी वो थल्ले थल्ले, वो फ्री के नंबर कट गए उसके तो, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है जी, अब ये हमारा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन है जी, इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, बट है क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, जान नहीं है सर क्वेश्चन में, सिर्फ क्वेश्चन की लेंथ है, किस लिए कि ताकि बच्चे छोटे छोटे होते हैं प्रोफेशनल के डर जाएंगे, और डर के नहीं, बिल्कुल डरना नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल डरना नहीं है, आराम से दिल खोल के आंसर देने हैं इस बार, दिल खोल के आंसर देने हैं जबरदस्त तरीके से। क्वेश्चन पढ़ लो जी एक बार, एबीसी लिमिटेड इज एन कंपनी, एबीटी लिमिटेड इज एन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट विच इज हैविंग टू अंडरटेकिंग एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट एंड स्टील डिसाइडेड टू हाइव ऑफ सीमेंट डिवीजन टू एक्स वाई जेड लिमिटेड ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट, मतलब डीमर्ज कर रहे हैं बाय वे ऑफ डीमर्जर, ठीक है। द नेटवर्थ ऑफ एबीसी लिमिटेड इमीडिएटली बिफोर डीमर्जर वॉज, ये है 40 करोड़ मेरे ख्याल से है जी, 40 करोड़। द नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट ट्रांसफर टू एक्स वाई जेड लिमिटेड वॉज, ये मेरे ख्याल से है
10 करोड़, ठीक है जी। दी डी मर्जर, ध्यान से, दी डी मर्जर वॉज मेड इन जनवरी 21। इन दी स्कीम ऑफ डी मर्जर इट वॉज फिक्स दैट फॉर एवरी ईच इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 फुली पेड अप ऑफ एबीसी लिमिटेड, टू इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 वर टू बी इशूड। मतलब दो इक्विटी, एक के बदले में दो शेयर इशू होंगे जी, एक के बदले में दो शेयर इशू होंगे, ये बात ध्यान देना। मिस्टर राम हेल्ड 25,000 इक्विटी शेयर इन एबीसी, मतलब मिस्टर राम के पास एबीसी के 25,000 शेयर थे। अब सोच के बोलना, अगर एक के बदले में दो शेयर मिलेंगे, हेलो, अगर एक के बदले में दो शेयर मिलेंगे, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, तो कितने शेयर मिलेंगे नई कंपनी के? 50,000 शेयर मिलेंगे नई कंपनी के, 50,000 शेयर मिलेंगे। देखो लिखा होगा, विच वॉज एक्वायर्ड इन द फाइनेंशियल ईयर 3-4 ऑफ ₹6 लाख, मिस्टर राम रसी 50,000 इक्विटी शेयर फ्रॉम एक्स वाई जेड लिमिटेड, कॉन्सिक्वेंट टू डी मर्जर इन जनवरी 21, ही सोल्ड ऑल द शेयर ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड फॉर ₹8 लाख इन मार्च 21। अब अपने बोल देना जी, जो शेयर मिले उसको उसने बेच दिया 8 लाख के, काम ही खत्म कर दिया जी। जो शेयर मिले उसको उसने बेच दिया 8 लाख रुपए के, पहली बात तो। क्या ये डी मर्जर, क्या ये डी मर्जर का जो प्रोसेस हुआ है, क्या इसमें कैपिटल गेन लगेगा? आंसर इज नो। याद करो सेक्शन 47 अमलगामेशन मर्जर डी मर्जर एग्जाम होता है, प्रोवाइडेड रिजल्टिंग कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए। और डी मर्जर वाले केस में जो शेयर होल्डर को शेयर्स भी अलॉट होते हैं उनके हाथ में भी एग्जम्प्ट होता है, उनके हाथ में एग्जम्प्ट होता है, बट हां जब फर्दर वो आगे सेल करेंगे फिर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। नहीं आ रही बात समझ, मैं आपको समझाता हूं जी। मान लो कंपनी का डी मर्जर हो रहा है जी, ये डी मर्ज कंपनी है, ये रिजल्टिंग कंपनी है। अब अगर ये रिजल्टिंग कंपनी इंडियन कंपनी है तो इस पे कैपिटल गेन एग्जम्प्ट है, इस डी मर्जर पे कोई भी टैक्स नहीं है। इस कंपनी के शेयर होल्डर को इस कंपनी के शेयर मिल रहे हैं जी, इस कंपनी के शेयर मिल रहे हैं। अब अगर इस कंपनी के शेयर होल्डर को इस कंपनी के शेयर मिल रहे हैं, ये शेयर लेना देना भी सेक्शन 47 में एग्जम्प्ट है, प्रोवाइडेड रिजल्टिंग कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए। बट जब इस कंपनी के शेयर होल्डर को इस कंपनी के शेयर मिलेंगे तो वो शेयर जब वो आगे सेल करेगा उस केस में कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। और ये बात आपको मैंने पहले बताई भी थी कि ट्रांसफरी जब आगे बेचेगा तब कैपिटल गेन की बातें होंगी, यहां से यहां तक आने में कोई कैपिटल गेन नहीं है, यहां से आगे जाने में कैपिटल गेन है। तो ये जो 8 लाख के बेचे है ना, इस पे कैपिटल गेन टैक्स लगेगा और किसी ट्रांजेक्शन पे कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। देख लो क्वेश्चन, देख लो उसने क्या पूछा। नाउ फॉलोइंग आर द क्वेश्चन, आपको आंसर देने हैं। डज द ट्रांजेक्शन ऑफ डी मर्जर अट्रैक्ट एनी इनकम टैक्स लाइबिलिटी? नो। वुड कैपिटल गेन अराइज इन हैंड्स ऑफ मिस्टर राम ऑन रिसिप्ट ऑफ शेयर ऑफ एक्स वाई जेड? नो। वेदर द सेल ऑफ शेयर बाय राम अफेक्ट द टैक्स बेनिफिट अवेल्ड बाय एबीसी लिमिटेड? नहीं, टैक्स बेनिफिट वो अवेल नहीं कर सकते। टैक्स बेनिफिट किसको मिलेगा? राम को मिलेगा, और राम के हाथ में कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जी। राम के हाथ में क्या लगेगा? कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, तो राम के हाथ में कैपिटल गेन टैक्स लगा देना। ऑल्सो कंप्यूट कैपिटल गेन हैंड्स ऑफ राम। अब ये देख लो जी, नो नो नो, और ये कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाल रखा है। इसमें बस एक मिस्टेक है, ये कैपिटल गेन इन्होंने गलत निकाला है। यहाँ पे 112A फॉलो करना चाहिए था, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनेगा तो 112A ही फॉलो करना है सर। इन्होंने पुराने तरीके से निकाल रखा है, इन्होंने पुराने तरीके से निकाल रखा है, तो कैलकुलेशन रॉन्ग है। इसमें हमें 112A, आप सब जानते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर्स वाले केस में 112A का ट्रीटमेंट होता है जी। इन्होंने कह रही हम इग्नोर कर रहे हैं, जबकि आपको एग्जाम में इग्नोर नहीं करना सर, एग्जाम में आपको दी होगी FMB। आप सब जानते हो 112 में कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं, आपने कैपिटल गेन के चैप्टर में पढ़ा हुआ है। नहीं पढ़ा तो रिवीजन क्लास ही देख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर ये वाला क्वेश्चन बन गया तो कैपिटल गेन 112A के बेस पे ही निकालने पड़ेंगे आपको, ठीक है जी। लोरी ये बताओ, इतना बड़ा क्वेश्चन था, अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता आप घबरा नहीं जाते? झूठ मत बोलना, हंसो मत, हंसना नहीं है बिल्कुल भी, गारंटी दे रहा हूं आप घबरा जाते हैं। आप कहते भाई साहब इतना बड़ा क्वेश्चन हमें समझ में ही नहीं आ रहा, पता नहीं ये विवेक सर ने कराया है नहीं कराया। अब बताओ इस क्वेश्चन में जान थी कुछ? सर बिल्कुल गिरा हुआ क्वेश्चन था, मैं ये नहीं कह रहा पेपर गिरा हुआ आएगा, 60 नंबर के तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, मेन गेम 40 नंबर के, उस 40 नंबर को करना है। बट 40 नंबर कब होंगे? पहले वो 60 करोगे जो आते होंगे, तब उस 40 पे जाना जी, नहीं तो मत जाना, ठीक है जी। लो जी अब आओ यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन आपका है जी, उसके बाद ये आपका मॉड्यूल पूरा का पूरा प्रैक्टिस मैनुअल ख़त्म हो गया। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी है मोस्ट इम्पोर्टेंट जी। आज तो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लो कितनी जल्दी हो जाते हैं, मेन टाइम जो लगता है ना वो थ्योरी में लगता है सर। आप खुद देखो DT EE के हमने कम से कम 3 से 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए हैं, बिल्कुल आसान थे सर।
अब ये मत कहना कि आपने इतना टाइम नहीं लगाया सर। अब देखो अगर मैं अभी टाइम लगाऊंगा ना तो फिर कम से कम दो दो घंटे क्लास जाएंगे। मैंने खुद ही क्लास छोटी की है, उसका रीज़न ये क्लियर है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि कई सारे बच्चे हैं उन्होंने कितनी बार रिविजन कर चुके होंगे। ठीक है, अगर फिर भी मैंने कहा ना कोई डाउट आ रहा है किसी क्वेश्चन में, आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मेरा नंबर आपके पास है 9643033663। अगर शाम को रिप्लाई मतलब शाम को मैसेज करोगे तो उम्मीद है आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, क्योंकि दिन में मेरी क्लासेस होती हैं, मैं मैसेज देख नहीं पाता। ठीक है, और कई बच्चों को लगता है कि मैसेज का रिप्लाई जान के नहीं करता, तो अगर आप मेरी जगह पे होते उम्मीद करता हूँ मेरी भावनाओं को आप समझ पाते। ठीक है जी, तो कोई डाउट हो पूछ सकते हो जी, बाकी उम्मीद करूँगा वैसे कोई डाउट होना नहीं चाहिए। आओ जी लास्ट क्वेश्चन पे आओ जी, इसको पैकअप करते हैं देन फिर अलविदा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, स्लम सेल वाला क्वेश्चन है, स्लम सेल वाला क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन सकता है जी, कंफर्म बन सकता है, न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस दोनों के अंदर बन सकता है। एक बार देखना जी, ABC लिमिटेड प्रपोज टू सेल 1 यूनिट XYZ, एक यूनिट बेचना XYZ विच वॉज सेटअप इन 2010 आउट ऑफ 10 यूनिट एंड इज नॉट रिलेटेड टू कंपनी मेन लाइन द बिजनेस, मतलब उसकी मेन लाइन जो कंपनी काम करती है उससे कुछ अलग काम किया था, वो यूनिट अब बेच रहे हैं। टोटल कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ XYZ यूनिट एज ए गोइंग कंसर्न बाई वे ऑफ स्लम सेल इज 3,50,000, मतलब 3.5 लाख रुपए मान लो इसका सेल कंसिडरेशन है। समराइज फाइनेंशियल पोजीशन जो दी हुई है 31 मार्च 2021 को डेट ऑफ सेल पे, ये हैं फिक्स एसेट 70,000 रुपये की हैं, डेटर्स 40 के, इन्वेंट्री 40 की हैं, यहाँ पे रिजर्व 40 के, रिवोल्यूशन रिजर्व 30 के, करंट लाइबिलिटी 30 की, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। फिक्स एसेट इंक्लूड्स लैंड परचेज 5,000 इन May 2013, रिवेल्यू करके कर दिया 50,000, भाई साहब कमाल ही कर दिया जी। रिवेल्युएशन इग्नोर करते हैं स्लम सेल में, ये कद्दू कलर का सामने बच्चा सोने की तैयारी कर रहा है जी, सीधे होकर बैठो बिल्कुल। एक बच्चा ग्रीन टी शर्ट डाल के तैसे बैठा, भिंडी कलर का नालायक, क्या हो गया, कैसे कैसे, मतलब आपको देख के ना मुझे सब्जियों के नाम याद है। देखो गोभी कलर का बच्चा बैठा वाइट वाइट सा, इधर देखो ध्यान से सीधा बिल्कुल सीधा देखो, मेरी तरफ देखो बस। लास्ट क्वेश्चन है सर, लास्ट क्वेश्चन बहुत ध्यान से करेंगे। फिक्स एसेट जो 70,000 रुपये की हैं उसमें कह रहा है भाई साहब 50,000 रुपये, मतलब उसमें लैंड 5,000 रुपये की है, उसको रिवैल्यू कर दिया 50,000 रुपये, भाई साहब रिवैल्यूएशन तो इग्नोर करते हैं, रिवैल्यूएशन इग्नोर करेंगे और नॉन डेप्रिशिएबल की बुक वैल्यू लेंगे, क्योंकि लैंड नॉन डेप्रिशिएबल है, इसकी बुक वैल्यू 5,000 रुपये की वैल्यू लेंगे बस। सर ये वैल्यू कब लेते हैं याद करो मेरे बच्चे, मेरे बाबू, मेरे नोनू, स्लम सेल वाले केस में कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं, सेल प्राइस पूरी अंडरटेकिंग का माइनस में नेटवर्थ, और नेटवर्थ कैसे निकालते हैं, एसेट माइनस लाइबिलिटी, तो एसेट की वैल्यू क्या लेंगे, डेप्रिशिएबल की WDV, नॉन डेप्रिशिएबल की बुक वैल्यू, तो ये नॉन डेप्रिशिएबल है इसकी बुक वैल्यू 5,000 रुपये। फिर वो कह रहे हैं फॉर द रिमेनिंग फिक्स एसेट, जो बैलेंस बची फिक्स एसेट उसकी WDV दी हुई है 10,000 रुपये, तो 10 तो ये लेके चलेंगे, 5 ये 15,000 रुपये की वैल्यू आ गई जी, तो हमें 70 नहीं लेनी, हमें लेनी है 15। उसके बाद डेटर्स ये 40,000 रुपये के, और इन्वेंट्री ये 40,000 रुपये की, तो हमारी एसेट्स हो गई 95,000 की हमारी एसेट हो गई। माइनस में लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में क्या है 30,000 रुपये, तो ये एसेट माइनस लाइबिलिटी 65,000 रुपये नेटवर्थ हमारी निकल के आ गई, बताओ क्वेश्चन क्या है सर। और जब बच्चे के एग्जाम में क्वेश्चन बना था ना, बच्चे ने बाहर आके सीधा मुझे फोटो भेज दी, कह रहा सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, मैं कैपिटल गेन ही नहीं किया होगा, क्वेश्चन कहाँ समझ में आएगा सर, गला थक गया कहते कहते प्रोफेशनल वाले बच्चों को 5 हेड कर लो। मैंने कहा ना उनका अहंकार एटीट्यूड लेवल अलग होता है, छोड़ यार 5 हेड कौन करेगा, वो तो कह रहे हैं कि 5 हेड सिलेबस में ही नहीं है, पता नहीं विवेक सर क्यों कराते हैं। आप ये देख लो बिना 5 हेड के क्वेश्चन सोल्व कर दो, मान जाऊंगा कैपिटल गेन के बिना क्वेश्चन सोल्व करके दिखा दो जी। और आपने देखे होंगे सारे क्वेश्चन PGP कैपिटल गेन अदर सोर्स से लिंक कर रहे हैं जी, और ये प्रोफेशनल का ही प्रैक्टिस मैनुअल है सर, मेरे खुद का तो है नहीं, इंस्टीट्यूट का ही है। मैं तभी क्यों करा रहा हूँ इसमें से, ताकि आपको फीलिंग आए कि हाँ भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा था। अब सोच के बोला नहीं, 15,000 रुपये की तो फिक्स सेट हो गई, डेटर्स 40 की, इन्वेंट्री 40 की, 95,000 एसेट माइनस में लाइबिलिटी 30,000 रुपये की, तो 65,000 रुपये नेटवर्थ आ गई। सेल प्राइस कितना है जी 3,50,000 रुपये, 65,000 रुपये क्या निकल के आ रही है, ये आपकी नेटवर्थ आ रही है, तो 350 में से अगर 65 माइनस करूंगा 2,85,000 रुपये मेरे ख्याल से कैपिटल गेन आएगा। देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,85, स्लम सेल में इंडेक्सेशन नहीं लेते आप सब जानते हो, और रिवेल्यूशन रिजर्व इग्नोर करते हैं आप सब जानते हो। ये क्वेश्चन बताओ 5 नंबर में था, क्या था इस क्वेश्चन में सर, इस क्वेश्चन में था क्या सर, इससे मुश्किल क्वेश्चन तो हमने क्लास के अंदर किया था। ठीक है जी, तो ये आपका
पूरा प्रैक्टिस मैनुअल था, इसके अंदर जितने इंपॉर्टेंट थे सर वो मैंने करा दिए। मैं ये नहीं कह रहा सारे करवा दिए, इंपॉर्टेंट करवा दिए, बाकी आप एक बार रीडिंग ले सकते हो, कोई चीज़ कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना चाहिए, ठीक है। तो फाइनली अब मैं लास्ट वर्ड यही बोलूँगा, बहुत ध्यान से पेपर करना, वैसे एग्जाम से पहले आऊँगा बट फिर भी बहुत ध्यान से पेपर करना, कूल माइंड से करना, टेंशन बिल्कुल मत लेना। मैं कह रहा हूँ मुश्किल से मुश्किल पेपर बन जाए तो भी हिम्मत नहीं हारनी, इतनी मेरी गारंटी है। 50-60 का सबको आता होगा सर, इतना तो आपने किया है, तो पहले वो करना ना कि पहले वो देखना जो नहीं आता, नहीं तो पूरा पेपर खराब हो जाएगा, ठीक है जी। तो बस यही कहूँगा सर, बहुत ध्यान से करना, आपकी तैयारी जो आपने इतने टाइम से तैयारी की है ये सारी बातें उसी पे डिपेंड करती हैं सर, ये सारी चीज़ें उसी पे डिपेंड करती हैं। बस ऐसा ना हो कि 3 घंटे के अंदर आपका माइंड नहीं चले और सारी 1-1.5 साल की तैयारी खराब हो जाए आपकी, ठीक है जी। तो बस यही बोलना चाहूँगा, बाकी टेंशन मत लो सर, बिल्कुल बिल्कुल टेंशन मत लो, कूल माइंड से अपना पेपर देना, बढ़िया देना, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना, टीचर्स को प्राउड फील कराना, और बस हमेशा खुश रहना। उम्मीद करूँगा और भगवान से दुआ करूँगा कि हर बच्चा इस बार सीएस बन जाए, जो बच्चा सीएस की वेट कर रहा है, और जिनका ग्रुप है वो ग्रुप निकल जाए उनके, ठीक है जी। चलो तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास का मतलब एक सेशन लेके आऊँगा आपको, एग्जाम किस तरह से देना है, कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी बहुत जल्दी, और सेशन हमारे वैसे कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, वंस अगेन जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।